राजेश भाई फिर से वो अननोन नंबर आया। हेलो राजेश वागले पुलिस कमिश्नर नहीं है, वो कुरियर कंपनी में काम करता है, मुझे पता है हर्षद अग्रवाल। हाँ गलती हो गई मुझसे। नहीं वो पुलिस में वो मतलब भर्ती होने ही वाला था। नहीं चाहिए मम्मी, नहीं चाहिए। चुप बैठिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 दिन राजेश वागले जी कुरियर कंपनी में काम करने वाले भाई साहब, सुन रहे हैं आप? हाँ जी हाँ। राजेश वागले बात कर रहा हूँ, बोलिए बोलिए बताइए, सुन रहा हूँ मैं। तो सुनिए, 3 दिन और पूरे 4 करोड़ रुपए। वरना पहले अथर्व का लेफ्टी है या राइटी? हाँ राइटी है। हाँ क्यों पूछ रहे हैं? तो पहले लेफ्ट हैंड, आपको आपकी ही कंपनी से कुरियर किया जाएगा। साई दर्शन हाइट सोसाइटी में, और फिर राइट हैंड। नहीं नहीं नहीं, देंगे हम देंगे पैसे आपको। हेलो हमसे जो बन पाएगा हम देंगे, हम देंगे। प्लीज हमारे बच्चे को कुछ मत करिएगा, प्लीज। समय और जगह सब बताएंगे। और हमसे जितना हो सका उतना कर दिया, ये सब नहीं चलेगा। पूरे 4 करोड़ रुपए, ओके? और फोन ट्रेस करने में समय बर्बाद मत करना, पुलिस को भी इन्फॉर्म मत करना, वरना तुम्हारे अथर्व के दोनों हाथ पहले लेफ्ट और राइट दोनों पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आपकी बच्ची का क्या हश्र करेंगे ये आप कल्पना कर सकते हैं। लो बात करो अपने अथर्व से। लेकर मम्मी डैडी, ऐसी उसकी आ रही है। हम कैसे मान ले कि हमारा बच्चा है? आवाज बदलने वाली मशीन आप बंद कर दीजिए ना, ताकि अथर्व की नॉर्मल आवाज हम सुन सके। मम्मा डैडी, अथर्व बेटा, I'm so sorry, बेटा। I promise you, तुम्हारा नहीं डांटूंगी। I'm so sorry. मेरा बच्चा। मामा, I'm fine. Are you a strong boy, ना? मामा, I love you so much. मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सुनो अथर्व, डैडी पे भरोसा है ना? हाँ? I promise. मैं तुम्हें बहुत जल्द घर लेकर आऊंगा, लेकिन देखना हिम्मत मत हारना और डरना मत। बस 3 दिनों में तुम घर वापस आ जाओगे। हेलो, जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त कीजिए। बैंक के नए बंडल नहीं चलेंगे और सीरियलाइज बंडल भी नहीं चलेंगे। हाँ हेलो, ज्योति बोल रही हूँ। बात बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं किसी भी तरह कल सुबह मिलने आऊंगी, सारा बंदोबस्त करके रखना। हाँ अरे ज्योति भाभी, बाद में तिवारी जी, मैं जरा आती हूँ। और हाँ,
अगर हर्षद आपको पूछे ना तो आप कहिएगा कि आपको कुछ नहीं पता, आपने मुझे जाते हुए देखा ही नहीं। हा? नहीं नहीं, मामला क्या है, कुछ ठीक है ना सब कुछ? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा, वो स्त्री के कपड़े लाना भूल गई थी ना, वही लेने जा रही। अच्छा, एक मिनट भाभी जी, स्त्री के कपड़े लेने जा रही हूँ, ये बात हर्षद भाई को नहीं पता? नहीं है, मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे। अरे आपको जितना बोला उतना कीजिए ना जी। सॉरी, मतलब अगर हर्षद पूछे तो आप कह देना कि आपको कुछ नहीं पता। हा? जी बोल दो। अरे ज्योति भाभी, आपके स्त्री के कपड़े अपने घर पर रख दिए। बाद में आशा। थैंक यू। क्या हुआ भाभी, इतना हड़बड़े में कहाँ जा रही है? और काफी नर्वस भी लग रही है, और मुझसे झूठ भी बोला, बोली कि स्त्री के कपड़े लेने जा रही हूँ, जबकि तुमने बताया कि स्त्री के कपड़े तो वो तो मैंने सुबह ही घर पर रख दिए इनके। ये इतना भागी भागी, इतना परेशान होकर कहाँ गई? आशा, हाँ तुमको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हाँ कसमें दी, मिन्नतें की, पर एक भी निवाला नहीं खाया। मगरमच्छ शेर को काटेगा ही नहीं, क्योंकि शेर ने ही मगरमच्छ का गला दबाया। शेर ने मगरमच्छ का गला दबाया। जामिनी, क्या कर रही तू? थोड़ी अकल वकल है कि नहीं? ऐसे वक्त ऐसे डायलॉग मार रही तू? सॉरी मासी, पर क्या करूं, मुझे ना आदत सी हो गई है, सिस्टम में ही बैठ गया है। इतना सिस्टम में बैठा है कि मेरी खुद की दादी गुजर गई थी, तब भी मैंने डायलॉग मारा था, आशीर्वाद देके चल बसे वो दादी, बाकी सारी टूटी हुई शादी, बाकी सारी बस बस बस। अरे सिस्टम में तो पता है, आदत तो वंदना की बिचारी की। भगवान से पहले ना सुबह उठ के वो अथर का चेहरा देखती, तभी उसका दिन शुरू होता है। अरे नहीं मासी नहीं, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो इस बंजर घर में बाहर कैसे लाएंगे? बंजर घर में बाहर कैसे लाएंगे? हाँ ये वाला ढंग का था। थैंक यू यामिनी, तूने सही कहा। नहीं मैं नहीं हिम्मत हारने वाली, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारने वाली। अगर सबने हिम्मत हारी ना तो साई बाबा है ना, वो संभाल लेंगे। मेरी सहेली ना किशोरी, उसकी मामी है, वो साई बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। वो हमेशा कहती है साई पे अगर भरोसा है ना, और अगर सारी चिंताएं उसके ऊपर छोड़ दिए, और फिर भी अगर तुम चिंता कर रही हो तो फिर उस पे भरोसा कैसे, फिर उसको भरोसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मुझे साई पे पूरा भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, मैं जरा भी परेशान नहीं हूँ, जरा भी परेशान नहीं हूँ। तुम देख लेना है यामिनी, तुम देख लेना। मौशी, 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 यामिनी वानी, वो ज्योति भाभी है ना, बड़ी अजीब तरह से झूठ बोलकर कहीं बाहर निकल गई है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.